हाँ जी बाबा, मुर्दे में बना हुआ है कि राव नहीं कहता है कि ये अमेरिका और रशियन दोनों मिलकर एक होगा तो राव नहीं कहता। इसमें ज्ञान में बेहद में कौन है, अमेरिका और रशियन? जो यादव संप्रदाय हैं, उनके लिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि उनके पेट में से मूसल निकले। वास्तव में मिसाइल शब्द बदल करके मूसल बनाई दिए। जब मूसल चलता है तो मूसल पत्थर में मारा जाता है या जमीन में मारा जाता है तो गड्ढा होता है, है? मूसल कहां चलाया जाता है? गड्ढे में चलाया जाता है। ये भी मिसाइल्स हैं, जब फटते हैं तो जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। ये मिसाइल्स पेट में से नहीं निकले, कहां से निकले? ये बुद्ध रूपी पेट है। ईसाइयों का जहां से ये मिसाइल्स निकले हैं, उन ईसाइयों में भी दो वर्ग हो गए लास्ट में, एक नास्तिक वर्ग और एक आस्तिक वर्ग। नास्तिक वर्ग वाले ये रशिया वाले हैं, जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक है कुछ भी नहीं मानते, और दूसरे हैं यूरोप अमेरिका वासी यादव। उन नास्तिकों की बुद्धि इतनी तीखी हुई, इतनी तामसी बनी कि जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया में ध्वंस करने का उन्होंने मसाला तैयार कर लिया, एटम बम। उन्होंने तैयार किया और यूरोप अमेरिका वासियों ने उसको बढ़ावा दे दिया, ढेर का ढेर मसाला तैयार कर लिया, ढेर के ढेर एटम बम बना लिए। फिर दोनों में स्पर्धा होती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है कि यादवों के पेट से मूसल निकले और आपस में ही लड़ाई लड़ करके खलास हो गए, तो ये आपस में भाई भाई हैं, ये कोई भारतवासी नहीं है, ये विदेशी हैं। भारत में तो तृतीय विश्व युद्ध होता है, महाभारी महाभारत गृह युद्ध, जिसमें भारतवासी पांडव और कौरव दोनों भाग लेते हैं, और साथ में ये एटम बम बनाने वाले, एटमिक हथियार बनाने वाले, भारत और भारत के दुश्मनी देशों को छोटा मोटा बारूद का सामान देते रहते हैं, तो वो भी सहयोगी बनते हैं किसके? कौरवों के। वो तृतीय विश्व युद्ध में बनते हैं सहयोगी, परंतु बड़े बड़े हथियार और उनकी तकनीक नहीं देते हैं। ये बड़े बड़े हथियार चतुर्थ विश्व युद्ध में फूटेंगे, जबकि सारी दुनिया खलास हो जाएगी और वो यादव संप्रदाय भी खलास हो जाएंगे।
इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि शास्त्रों में लिख दिया है यादवों के पेट से मूसल निकले, जिन मूसलों से उन्होंने सारी दुनिया को खलास कर दिया, खुद भी खलास हो गए। और 180 माला कामन है, 80 माला किशन लोग भी उठाते हैं क्योंकि तुम नौ रत्नों को अनन्य है। क्रिश्चियन लोग बुद्धि में ज्यादा तीखे हैं भारतवासियों के मुकाबले या कम तीखे हैं? है? ज्यादा तीखे हैं। तो वो बाप और बाप के सहयोगियों को पहले पहचानते हैं या बाद में पहचानते हैं? पहले पहचान लेते हैं, बाप को भी पहले पहचानते हैं। और जो बाप के सहयोगी सात और मणके हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है मिलाकर, उनको भी पहचानते हैं। इसलिए क्रिश्चियंस में भी आठ की माला गाई हुई है, ऐसे मुरली में बोला। अभी जो मुरली में आया ये प्रजापिता खा रहे हैं, किस बाप से आया? ब्रह्मा कितने हैं? एक हैं, दो हैं, चार हैं, पांच हैं। ब्रह्मा के कितने मुख दिखाए जाते हैं? चतुरानन पंचानन किसका नाम है? ब्रह्मा का नाम है। कहते हैं एक मुख काट दिया गया जो प्रजापिता के रूप में गाली देने लग पड़ा। राम वाली आत्मा ही अंत समय में आती तमो प्रधान बनती है, क्योंकि वो तो सबका बाप है, तो सबसे बड़ा तमो प्रधान कौन बने? हैं? राम वाली आत्मा सबसे बड़ा तमो प्रधान बनता है। सारी दुनिया के विनाश के निमित्त बन जाती है वो आत्मा। तो सारी दुनिया को भस्म करने के जो निमित्त बनता है, वो पैदा करने के लिए भी निमित्त बनता होगा, क्योंकि वो सारी सृष्टि का बाप है। ये सारी सृष्टि उसे एक बीज से ही पैदा होती है और उसी में समा जाती है। तो वो पहला पहला ब्रह्मा है जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता है, सारी प्रजा का पिता है। और जो ब्रह्मा है उनको सारी मनुष्य सृष्टि नहीं मानेगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसको अपना पिता मानेंगी? सिर्फ ब्रह्मा को ही अपना पिता मानेंगे। ऐसे ही नंबरवार और भी ब्रह्मा हैं जो विष्णु बनते हैं, जो और ब्रह्मा हैं वो जड़त्वमयी भुजाएं हैं या चैतन्य बुद्धि हैं? है? जड़ तुम्हें भुजाएं हैं, उनमें इतनी अकल नहीं है जो मनन चिंतन मंथन करके ईश्वरीय ज्ञान को समझ सके। चैतन्य बुद्धि नहीं है, कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई दाईं ओर की भुजाएं हैं, कोई बाईं ओर की भुजाएं हैं। बाकी भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य आत्मा होती है? क्या होती हैं? भुजाएं तो जड़ ही होती हैं। उन जड़ को चलाने वाला कोई चाहिए या नहीं चाहिए?
उन जड़त्वमयी भुजाओं को, उन ब्रह्मा को चलाने वाला वो ही प्रजापिता है जिसमें मुकर्रर रूप से शिव चैतन्य प्रवेश करता है। ईश्वरीय ज्ञान की व्याख्या करता है या व्याख्या के निमित्त बनता है। इसलिए एक ब्रह्मा है मुख्य है और बाकी सब हैं गौण। इसलिए मुरली में बोला ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं परंतु प्रजापिता ब्रह्मा एक का ही नाम है। अब ये जरूर है कि जो भी ब्रह्मा होंगे नंबरवार वो ब्रह्मा सो क्या बनेंगे अंत में, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। इसलिए विष्णु का विराट रूप दिखाया गया है गीता में परंतु गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया। वो कृष्ण उर्फ दादा लेखराज के विराट रूप की बात नहीं है, विराट रूप तो प्रजापिता का है जिस बीज से 500-700 करोड़ पत्तों वाला वृक्ष तैयार होता है। उसमें जानवरियत की स्वभाव वाले भी मौजूद हैं, विराट रूप में जानवरों के मुख भी दिखाए हैं, पक्षियों के मुख भी दिखाए हैं, राक्षसों के मुख भी दिखाए हैं, ब्राह्मणों के मुख भी दिखाए हैं, ऋषियों महर्षियों के भी मुख दिखाए हैं और देवताएं भी दिखाए हैं। और दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उन हर आत्माओं में कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है या नहीं होती है? अरे जब सत्व प्रदान होंगी तो अच्छाई भी होगी और जब तमो प्रदान होती है तो बुराई हो जाती है। आत्मा का पार्ट हूबहू रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है? कब के पार्ट की बात है? अरे 5000 वर्ष में हर समय के पार्ट की बात है। जब भी नया कल्प 5000 साल का शुरू होगा तो वो ही रिपीट होगा जो पिछले कल्प में रिपीट हुआ था, चाहे शुरुआत का हो, चाहे मध्य का हो, चाहे अंत का हो, चाहे पहले जन्म का हो, चाहे बीच के जन्मों का हो या अंत के जन्म का हो। आत्मा तो एक रिकॉर्ड है। आत्मा जब से आए तब से का रिकॉर्ड है ना। वो आप कब से आए? लेकिन आया तो जरूर आया। हाँ, इस सृष्टि पर हर आत्मा के आने का टाइम नुदा हुआ है। कोई सतयुग के आदि से आती है, कोई स्वर्णिम संगम युग से ही आती है, सतयुग से भी पहले से आ जाती है, कोई त्रेता में आती है, कोई द्वापर में आती है, कोई कलयुग में आती है। जो कलयुग में आवेगी वो कलयुग के ही पार्ट बजावेगी। कलयुग में भी जब आती है तो आदि में सत्व प्रधान अच्छाई का पार्ट बजाएगी और अंत में कैसा पार्ट बजाएगी? तमो प्रधान पार्ट बजाएगी। जैसे
आजकल कौन से योगी का बहुत ज्यादा बोलबाला है भारतवर्ष में? है रामदेव का बोलबाला है। रामदेव जब शुरुआत में नाम विख्यात हुआ था तो कमर्शियलाइज उनके द्वारा संसार बनाया गया, या वो कमर्शियल दुनिया से बहुत दूर थे और अब क्या हो गए? अभी उनका सारा कारोबार कमर्शियल हो गया। तो ऐसे ही हर आत्मा पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान बन जाती है। ये मान मर्तबा जो है ना, ये मान मर्तबा ऐसी चीज है जो सारी दुनिया को गड्ढे में ले जाता है। कोई ने पूछा है आत्मा का पार्ट अगर हूबहू रिपीट होता है तो ये याद करना, साधना करना, ज्ञान लेना, ये किस लिए? आत्मा का पार्ट जो जन्म जन्मांतर बजाया है वो हमें याद है? है? याद तो कुछ भी नहीं है। जब याद ही नहीं है तो जैसा जैसा संकल्प चलावेंगे वैसा वैसा संकल्पों की जन्म जन्मांतर की सृष्टि बनेगी। कोई निगेटिव संकल्प ज्यादा चलाते हैं, कोई पॉजिटिव संकल्प ज्यादा चलाते हैं। जो निगेटिव संकल्प ज्यादा चलावेंगे वो अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? अज्ञानी है। निगेटिव माने परमात्मा बाप ने जो कुछ बोला है उसके बरखिलाफ बात बोलते हैं, काम करते हैं। बाप तो बोलते हैं कि ड्रामा हू बहू रिपीट होता है, लेकिन उनके निगेटिव संकल्प चल पड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है हू बहू रिपीट होता है? अरे हू बहू रिपीट कोई इस जन्म की बात थोड़ी ही है, कितने जन्मों की बात है? जन्म जन्मांतर की बात है। वो तो बहुत लंबा समय हो गया, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, रील घूम रही है अभी पूरे ड्रामा की। उस रील में अच्छे संस्कार जब उदय होते हैं तो अच्छे संकल्प चलते हैं, पॉजिटिव, और जब बुरे संस्कार उदय होते हैं तो कितना भी ज्ञान लिया हुआ हो तो भी निगेटिव संकल्प ही चल पड़ते हैं। तो हमें पूर्व जन्म का कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे माने कि हमारी याद से वो ही रिपीट होगा? अच्छी याद करेंगे तो अच्छा रिपीट होगा, अच्छी याद नहीं करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अच्छी साधना नहीं करेंगे तो क्या समझा जाए कि हमारा जन्म जन्मांतर अच्छा गया या बुरा गया? बुरा गया। अभी हमारी मुट्ठी में हमारी जन्म जन्मांतर की तकदीर परमात्मा बाप ने दे दी है, चाहे तो अच्छे से अच्छा बनाए, जन्म जन्मांतर सुख की दुनिया बनाए, और चाहे तो जन्म जन्मांतर दुख की दुनिया बना ले। बाकी हमारे संकल्पों के ऊपर है। कल पहले तुमने खाया होगा तो खा लेना, काहे के लिए किचन में घुस जाते हो खाना बनाने के लिए? जवाब दो। नहीं बाबा, आत्मा के बाप से खाने का बात नहीं चलता है। आत्मा के साथ खाने का क्यों नहीं चलता है? आत्मा का भोजन संकल्प नहीं है? हाँ, तो जैसे स्थूल शरीर का भोजन है स्थूल, ऐसे ही आत्मा का भोजन है संकल्प। चाहे अच्छे से अच्छा संकल्प का भोजन करो और चाहे खराब से खराब संकल्प का भोजन करो,
आत्मा में जब एक ही प्रकार का रिकॉर्ड है तो हम जगत बदल सकते हैं। आत्मा में एक ही प्रकार का रिकॉर्ड कैसे है? कौन सी आत्मा है जिसके अंदर एक ही प्रकार का रिकॉर्ड है? निगेटिव 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 निगेटिव, अभी तो इसमें आपने खुद ही लिखा, आपने पूछा है आत्मा का पार्ट हुबहू रिपीट होता है तो अच्छा पार्ट ही रिपीट होता है या बुरा पार्ट भी रिपीट होता है? इसका मतलब आप खुद ही सशो पंजे में है कि हर आत्मा में अच्छा पार्ट ही भरा हुआ है या बुरा भी भरा हुआ है? अच्छा भी भरा हुआ है, बुरा भी भरा हुआ है। ईश्वर का ज्ञान अगर हमने लिया है, ये पक्का निश्चय हो गया है कि ईश्वर आया हुआ है। पक्का निश्चय होने के बाद हमें ईश्वर की वाणी का 100% फॉलो करना है। अगर उसमें मन मत मिक्स की या मनुष्यों की मत मिक्स की तो फिर हमारा कल्याण ही अकल्याण होगा। और बाबा मूत्रपलित का प्रभुता भाव क्या है? मूत्रपलित कपड़ धोती बोला गया। मूत्रपलित कपड़ धोती का मतलब यह है कि सिखों ने भी बोला है मूत्रपलित कपड़ धोती, लेकिन गुरु नानक के लिए बोल दिया। अब कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। क्या गुरु नानक ने आके कपड़े धोए हैं? देवताओं के कपड़े किसी के बन गए है? नहीं बने। और ही शरीर सड़ते जाते हैं, शरीर के छिद्रों में से बदबू ही निकलती जाती है। तो ये शरीर है, पावन बन रहे हैं या पतित बन रहे हैं? कपड़े धुल रहे हैं या और ही गंदे हो रहे हैं? और ही गंदे होते जा रहे हैं। ये गुरु नानक की बात नहीं है या कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया तो नीचे गिरती चली जा रही है। कोई मनुष्य गुरु कोई के भी शरीर रूपी वस्त्रों को धो नहीं सकता। आत्माएं भी पतित हो रही हैं और उनके कपड़े वस्त्र भी पतित हो रहे हैं। ये तो एक सदगुरु का ही गायन है जो आकर के संग के रंग से कपड़ों को धोता है। पहले आत्मा को धोता है या शरीर को धोता है? है? पहले आत्मा को धोता है। तो अभी क्या, कौन सी रील चल रही है? कौन सी मशीनरी चल रही है? आत्मा को धोने की मशीनरी चल रही है या शरीर रूपी वस्त्रों को धोने की मशीनरी चल रही है? आत्मा को धोने की मशीनरी चल रही है। वो आत्मा ज्ञान से धोई जाएगी या कोई स्थूल जल की बात है? ज्ञान जल की बात है। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान हम बुद्धि में धारण करेंगे श्रद्धा विश्वास भावना पूर्वक, उतना उतना हमारी आत्मा का मल साफ होगा। हम प्रसन्न चित्त बने रहेंगे, हरेक की बातों का जवाब हमारे पास स्वतः ही आता रहेगा। भगवान बाप जैसे कि हमारे में प्रवेश करके हर बात का जवाब देगा। तो मूत्रपलिति कपड़ धोती का मतलब यह है कि मनुष्य आज मूत्रपलिति बन गया है भैंसे की तरह, जैसे भैंसा कीचड़ में लोटता है या गेंडा कीचड़ में लोटता है, ऐसे ही मनुष्य की बुद्धि कीचड़ में लोटने वाली बन गई है, विकारों में रमण करती रहती है, मूत्रपलिति बन गई है। शरीर भी कीचड़ में लोटता रहता है। छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते। ये तो एक सदगुरु की मेहर है कि जब इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है तो मनुष्य आत्माएं उसके संग के रंग से क्या बनती हैं? पावन बनती है। पहले आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनेंगे। अभी तो शरीर सड़ते जाते हैं और आत्मा पावरफुल होती जा रही है। जो मुरली में बोला है कि शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी, कब तक?
तब तक जब तक हमने नई दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। जो बोला है कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, उस स्वर्ग का वर्षा उनको ही मिलेगा जिनके संकल्प एकदम परिष्कृत हो जाएंगे। संकल्पों में कोई भी प्रकार की अशुद्धि न रहे, अपना भी कल्याण करने वाली बुद्धि बने और संगी साथियों का भी कल्याण करने वाली बुद्धि बने, और जो संगी साथी नहीं बने हैं उनके लिए भी कल्याण की भावना बनी रहे, कोई का भी अकल्याण न बुद्धि में आवे, उसको कहेंगे परिष्कृत बुद्धि। इसलिए बोला कि यज्ञ के आदि में भी ये धोबी घाट चल रहा था। बाबा कहते हैं मैं भी क्या हूं, मैं भी धोबी हूं, धोबी बन करके आता हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्रों को दोनों को धो देता हूं। आत्मा और शरीर रूपी मनैया दोनों का खेवैया एक ही बाप है, ऐसे मुरली में बोला हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा ही पावन बन करके नई दुनिया में जावेगी, आत्मा भी पावन बनेगी और शरीर भी पावन बन करके सतयुग में जावेंगे। अपवित्र शरीर नहीं जावेंगे, पवित्र शरीर जावेंगे सतयुग में, तभी तो देवताई जन्म होगा कि अपवित्र शरीरों से होगा। पवित्र शरीरों से पवित्र कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों का जन्म होगा। और बाबा वो जो हम बिठाए थे ना, तो बोर्ड हम बाजार चौक पर लगाए, 10-15 रोज के बाद बोर्ड को उठा कर फेंक दिया, उल्टा कर उधर फेंक दिया। हाँ, किसी ने फेंका होगा या डीजे वाले ने फेंका होगा, तो आप उस बोर्ड को इंश्योर करा दो, जैसे बाबा ने 4 चित्रों को इंश्योर कराने के लिए बोला है। आजकल तो दुनिया में हर चीज इंश्योर हो जाती है ना, इंश्योर कंपनी में, तो इसके लिए कानून बनाया। वो इंश्योर कंपनी वाले बतावेंगे कि कोई चीज कैसे इंश्योर की जाती है। हाँ बिल्कुल सुरक्षा करेंगे, नहीं तो आपको उतना पैसा दिलवाएंगे जितने का आपने इंश्योर कराया। आप 10 लाख का इंश्योर करा दो वो बोर्ड, इसको गरिया बाजार में लगाए, वहां से इसको डांट कर यहाँ पर लगाए, जिसको डांटा तो वो कहा कि भाई बोर्ड को आप कुछ कर ले जाए, हमसे नहीं सुधरेगा, हम कोई रोकाने की बात नहीं, हम ले चले जाए। आजकल तो नोटों की गड्डियां काम करती है, पुलिस को नोटों की गड्डियां मिलेंगी तो वो तो उसको खत्म करवा देंगे। डॉक्टर तो वहाँ बहुत पेशेंट आते हैं देखेंगे, फिर वहाँ से गायब हो गया कल, तो फिर लगा दो ऐसे ऐसे दबंग व्यक्ति की देखरेख में लगा दो जो इन बातों को सपोर्ट करता हो। समझाते रहस्य के बारे में, बहुत खुश हो जाता है, फिर उसको क्या प्रभाव पर डाल देता है जो नियुक्त कर पाता है। पुलिस का आदमी आकर के डांट लगाएगा तो क्या करेगा बेचारा, इतना बोलवाला है कि करवाने का, इससे भय नहीं खाना है, इससे हमको ये अपना काम करना थोड़े ही बंद कर देंगे। बहुत सुंदर बना टांगे, आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बना करके टांग दीजिए, जाना चाहिए। सब कुछ करने वाले निकलेंगे। कौन से आप बोर्ड की बात कर रहे हैं? वो बोर्ड जो आजकल चल रहा है, ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे, उस बोर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं इसमें आश्चर्यजनक बातें हैं, वो तो 5 पॉइंट हैं और इसमें 8 पॉइंट हैं। हाँ जी हाँ जी, और पहले वाला है वो तो उतना जबरदस्त भी नहीं है, ये तो चैलेंज वाला है। तो बोर्ड कहाँ है? आप जितनी प्योरिटी की पावर भरेंगे उतना मुकाबला करेंगे।
इसीलिए तो बाप दादा ने बोला है क्या करो क्या करो, अरे विजय माला का आवाहन करो। बाबा हाँ, जो अभी तो बानी में टू लेट का बोर्ड लग चुका है। हाँ, टू लेट का बोर्ड लग चुका है। इसका मतलब ये है कि 76 में टू लेट का बोर्ड लगा था एक युगल के लिए, जो घोषणा की गई थी 66 में कि 10 वर्ष के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। तो वो एक युगल की बात थी, टू लेट का बोर्ड लग गया, वो प्रत्यक्ष हो गया। उसके बाद तीन मूर्तियों की बात आई, तीन मूर्तियां भी प्रत्यक्ष हो गई, उन तीन मूर्तियों के लिए कहेंगे टू लेट का बोर्ड लग गया। ब्रह्मा का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली मूर्ति इस दुनिया में कौन, विष्णु का पार्ट बजाने वाली प्रैक्टिकल मूर्ति, प्रैक्टिकल कपड़ा झंडे का वो कौन, और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली सत्यमेव जयते मूर्ति कौन, अहिंसा परम धर्म मूर्ति कौन, ये तीनों मूर्तियां कौन सी हैं जिनकी यादगार में, जिनके शरीर रूपी वस्त्र की यादगार में हमारा झंडा बना हुआ है, जो गली गली में फहराया जाता है, बोलते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। अरे ये तीन कपड़े हैं कि नहीं, वो तीन कपड़े स्थूल कपड़े की यादगार हैं या चैतन्य वस्त्र की यादगार है? स्थूल कपड़ा विश्व विजय करके दिखला देगा, जरूर कोई तीन भाव स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं और भारत की ही आत्माएं हैं, भारत का ही झंडा है जो विश्व में विजय प्राप्त करके दिखलाता है। बाकी दुनिया का कोई भी झंडा नहीं है जो सारे विश्व के ऊपर जिसने प्राप्त विजय की हो, हिटलर हो, नेपोलियन हो, कोई भी हो, मुसोलिनी हो, सब इस दुनिया में आए, महत्वाकांक्षा लेके आए, सारी दुनिया में हम राज्य करेंगे, अलेक्जेंडर आया नाक रगड़ के चले गए, विश्व के ऊपर विजय प्राप्त किसी ने नहीं की। ये तो एक शंकर का ही गायन है, क्या गायन है, विश्व विजय करके दिखलावे, विश्वनाथ शंकर। ये बाहुबल से काम नहीं करता है, कैसे काम करता है, योग बल से विश्व की बात सही लेता है। बाबा कुछ एडवांस के भाई ऐसे हैं कि गीता पाठ वाला भी खोल दिए, डॉक्टरों को भी लगा दिए, जोर शोर से दो साल चले, अभी उन कार्यक्रमों को हटा दिए हैं और भक्ति मार्ग का कार्यक्रम लगा करके जय हनुमान ज्ञान सागर का ये पाठ पढ़ाते हैं। और हम जब सेवा करने के लिए जाते थे, हमें डांट कर करके वहां से मैंने सेवा करने के लिए देते, कौन सा छुट्टी हो रहा है? दुनिया छोटी है कि बड़ी है? तो बड़ी दुनिया में चाहे जहाँ चले जाओ सेवा करने के लिए, वो सारी दुनिया में रोक लगा लेंगे क्या? दो तीन आत्माएं वहाँ जिंदा है, माता है, हाँ, उनके पति को गंदा गंदा बात सुना करके मैंने डांट लगवा लेती है, वो माता भी डर के मारे सेवा नहीं कर पाती है या ना संगठन कर पाती है ना तलाश कर पाती है। अभी तो कुछ भी बंधन नहीं लग रहा है, आगे चल के तो जब माया का फाइनल पेपर होगा तो टीवी में ग्लानी निकलेगी, चारों तरफ घरों घरों में टीवी देखेंगे, अखबारों में ग्लानी निकलेगी, इंटरनेट में ग्लानी निकलेगी, रेडियो में चारों ओर ग्लानी ही ग्लानी होगी, वो नाम ही कलंकी धर गाया हुआ है, जिनकी बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं, मुंह तो पलीती कपड़ धोती, ये किसका पार्ट है, ये कौन सा सदगुरु है, नहीं पहचान होगी तो ग्लानी करेंगे या गायन करेंगे, ग्लानी ही करेंगे। उन ग्लानी करने वालों की संख्या ज्यादा होगी या गायन करने वालों की संख्या ज्यादा होगी,
गायन करने वालों की संख्या ज्यादा होगी। गायन करने वालों की संख्या तो अंत में बनेगी 16,108, 500-700 करोड़ की दुनिया में। जो सिर्फ गायन ही करेंगे वो गोप गोपियां गाए हुए हैं, गुप्त पुरुषार्थी जो गुप्त बाप को पहचानेंगे। मुरली जो सेवा को करता था इधर क्या हो गया, उल्टी बुद्धि हो गया। मैंने चित्र को हटा दिया, भक्ति में लगा चला। क्यों फालतू बातों में जाते हैं? जब बाबा ने मुरली बोला कथंती सुनंती बागंती हो जाते हैं। वो एक की बात है, दो चार की बात है या बहुतों की बात है? आज हाँ हाँ करेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कल क्रास करने लग पड़ेंगे। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, अपनी बुद्धि से फैसला नहीं कर पाते हैं, तो उस समय तो हाँ हाँ कर देते हैं, फिर जब कोई ग्लानी कर देता है, हाँ ये बात तो ठीक हो सकती है, बस बुद्धि उलट गई। बाबा ये ओसो धर्म है रजनीश का है, रजनीश का ये ओसो धर्म होता है ना? हाँ जी, यहाँ पर स्कूल चलता है। हाँ, वो संपर्क में आते हैं, उनको जब ज्ञान सुनाने लगते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे कि आत्मा भी नहीं मानता है, परमात्मा भी नहीं मानता है, न शास्त्र का बात आता है, न ज्ञान का बात आता है, कहाँ न कहाँ का बात होता है, उनको कैसे समझाएंगे? वो तो सभी गुरुओं का यही हाल है, सभी गुरुओं के फॉलोअर्स का यही हाल है। वो अपने गुरु को ही भगवान मानते हैं तो आपकी बात कैसे मान लेंगे? नहीं, कोई समझाने का तरीका है तो इन गुरुओं को मारो गोले। जो बाप के गरीब बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, भोला नाथ कहा गया है ना, जिनकी बुद्धि में सहज बैठ जाता है उनको सुनाओ, 100 को सुनाएंगे तो एक निकलेगा, ऐसे बोला है मुरली में, तो क्यों दुखी होते हो? वो भी एक संप्रदाय है, कभी कभी साथ में आता है तब उनको सुनाना चाहते हैं, उसको समझाने का ढंग भी नहीं हुआ, कुछ समझाने का तरीका भी नहीं आया, जैसे कुछ है तो समझाएंगे। पूछा है आत्मा का पतन होता है तो आत्मा का प्रमोशन भी होना चाहिए? नहीं होता है क्या? है पतन भी होता है तो प्रमोशन भी होता है। आत्मा कभी बड़े उमंग उत्साह में आकर के बड़ा बढ़िया पुरुषार्थ करती है, हम फील करते हैं कि भाई आज तो बड़ा अच्छा याद लगी। कभी ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं न चाहते हुए भी एकदम अवस्था गिर जाती है, ये तो होता ही रहता है। जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है अच्छे बुरे कर्मों का, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्या लिखा है? 9 जन्म लेने वाली आत्मा, एक जन्म लेने वाली आत्मा याद और साधना से 84 जन्म लेने वाली बन सकती है या नहीं, बोलो। अरे आत्मा एक रिकॉर्ड है, चैतन्य रिकॉर्ड है, इसमें जो भरा हुआ है वो ही बजेगा। वो कितनी भी कोशिश करे कि मैं 84 जन्म लेने वाला देवता बन जाऊं, बनेगा ही नहीं, वो नेगेटिविटी ही आएगी। अगर एक जन्म लेने वाली है, डिमोशन और प्रमोशन का आशा इसी प्रश्न पर है, डिमोशन और प्रमोशन का आशा। हाँ, तो एक जन्म से वो दो जन्म पर प्रमोशन नहीं होगा उसको कभी भी? वो आत्मा अंत में आवेगी ज्ञान में या अभिज्ञान में आवेगी?
उदाहरण है एग्जाम हम जो पूछ रहे हैं हम जो पूछ रहे हैं उसका हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जो आत्मा एक जन्म लेने वाली है वो ज्ञान में अभी आ जाएगी या लास्ट शूटिंग में आवेगी? कब आवेगी? इस बात पर तो आपने विचार ही नहीं किया। नहीं, मैं विचार किया है। हाँ, क्या विचार किया? लास्ट में आवेगी? नहीं नहीं नहीं, सर पता 83 हो गया, 82 हो गया, 81 हो गया, 80 हो गया, 79 हो गया, तो 79 वाला 80 81 होगा कि नहीं? बात वो है ना, एग्जाम का उदाहरण है। अरे एक जन्म लेने वाला अगर 3-4 जन्म लेने का पुरुषार्थ कर सकता है तो 84 जन्म लेने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो आत्मा एक जन्म लेने वाली होगी वो बिल्कुल शूटिंग के अंत में आवेगी, और अंत में आवेगी उस समय अंत में दुनिया का माहौल कैसा होगा? ज्ञान को समझने का शांति का माहौल होगा या एकदम अशांति का माहौल होगा? तो ज्ञान ले सकेगी? जब ज्ञान ले ही नहीं सकेगी तो ज्ञान उठा सकेगी? पुरुषार्थ कर सकेगी? साधना कर सकेगी? कर ही नहीं सकती। उसका संपर्क तो होगा ना संगम में? है संगम में संपर्क तो होगा ना उसको? किससे संपर्क होगा? भगवान से हो सकता है। भगवान से संपर्क सिर्फ सुनने मात्र का ही होगा, अखबार में देखने मात्र का ही होगा, इससे जाति नहीं हो सकता। ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं 16108 जो गोप गोपिकाओं के रूप में सर्व संबंधों से भगवान से संयोग जोड़ती है, संग का रंग लेती है। और बाबा सूर्यवंशियों में लास्ट में फाइनल परीक्षा आएगी, तो क्या चंद्रवंशियों की नहीं आएगी? उनकी भी तो परीक्षा आनी चाहिए। हर धर्म वाले की परीक्षा एक साथ आवेगी या नंबरवार आवेगी? पहले किसकी आनी चाहिए? सूर्यवंशियों की परीक्षा पहले आनी चाहिए, उनकी पहले आएगी, बाद में चंद्रवंशियों की आएगी, फिर इस्लाम वंशियों की आएगी। परीक्षाएं तो जरूर आएंगी। किसी ने पूछा है, बाबा मैं और मेरे पति दोनों इस ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं और अच्छी रीति पालन भी करते रहे, बाकी पहले उन्होंने ही मुझे इस ज्ञान में चलाया है, मैं पहले नहीं मानती थी, परंतु बाबा अब पवित्रता पर बहुत ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कर लेंगे धीरे धीरे हो जाएगा, मैं चाहती हूं उनको भी दोबारा भर्ती करा दूं, पवित्रता का रास्ता छुड़वा दूं। पूछने वाली बात भूल जाती है कि पुरुषों को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है? दुर्योधन दुशासन। जो दुर्योधन दुशासन होते हैं वो दुष्ट युद्ध करते हैं, मानते नहीं, एकांत पावेंगे और दुष्टता का युद्ध जरूर शुरू करेंगे। अबला अगर नहीं मानेगी तो जोर जबरदस्ती हाथ पांव बांध के भी इंपायर बना देंगे, इसको कहेंगे दुष्ट युद्ध। बाकी मनुष्यों को बुद्धि मिली है, अगर माया की लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे की परीक्षा लेनी है,
तो मारपीट करने की जरूरत है या एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए? है? एक दूसरे की सहमति से काम करना चाहिए। और कोई गिरता है तो उसे उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मारपीट करना, जोर जबरदस्ती करना, खाने के लिए पैसा ना देना, घर से बाहर निकाल देना, ये तो फिर दुर्योधन दुशासन का युद्ध हो गया, दुष्ट शासन हो गया। अब पुरुष तो ऐसा जरूर करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, कोई आज करते हैं, कोई कल करेंगे। आज सत्व प्रधान स्टेज है, नए नए ज्ञान में आए हैं, ज्यादा उमंग उत्साह है, कल तमो प्रधान बन जाएंगे। और फिर बाबा ने तो ये बोल दिया, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, ब्रह्मा और शंकर को भी नहीं छोड़ा, सब में कौन आ गए कौन नहीं आ गए, कोई रह गए हैं? सब माने 500 करोड़, जितने भी 500 करोड़ में मनुष्य हैं, पुरुष हैं, वो सब दुर्योधन दुर्योधन, कोई कम कोई ज्यादा। ये पर्सनल प्रश्न नहीं पूछना चाहिए क्लास में, ये पर्सनल बैठ करके उसको सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है। चिट्ठी लिखो, ईमेल भेजो, फोन से बात कर लो, इससे सारे हुजूम सारे संगठन का टाइम वेस्ट होता है। तुम्हारी धर्म युद्ध है विद्वान पंडितों के साथ, धर्म युद्ध को लड़ाई नहीं कहा जाता। धर्म युद्ध कौन सा होता है? लड़ाई तो दोनों है, वाचा की लड़ाई लड़ेंगे, एक अज्ञान सुनाएगा मुख उसे और दूसरा ज्ञान की बातें सुनाएगा, वो लड़ाई नहीं है, है? वो भी लड़ाई है। लेकिन धर्म युद्ध कौन सा है और अधर्म युद्ध कौन सा है? अभी तो बताया, दुर्योधन दुशासन धर्म युद्ध करते हैं या अधर्म युद्ध करते हैं? वो अधर्म युद्ध करते हैं, हिंसक लड़ाई अधर्म युद्ध है, और अहिंसक लड़ाई धर्म युद्ध है। मुरली रोज की नहीं सुनते हैं तो फिर वही प्रश्न बार बार आते हैं। अभी जापान में समंदर की धरती से बड़ा ज्वालामुखी निकला, तो बाबा बेहद में भी कुछ हुआ होगा, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बेहद में छोटे रूप में हुआ होगा या बड़े रूप में हुआ होगा? बेहद में छोटे रूप में होगा, क्योंकि अभी छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है या बड़ी दुनिया की स्थापना हो रही है? छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है। जो छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है उसमें पहले परिवार की इकाई तैयार होगी या ढेर के ढेर परिवार तैयार हो जाएंगे राजधानी में? इकाई तैयार होगी, वो इकाई बता दी, आठ की इकाई है, आठ का परिवार है, वो आठ सारी दुनिया के पूर्वज हैं, पूर्वज माने पहले पहले जन्म लेने वाले। हाँ, कोई सूर्यवंश का पूर्वज है, कोई चंद्रवंश का पूर्वज है, कोई इस्लाम वंश का पूर्वज है, कोई बौद्ध धर्म का पूर्वज है। तो जो बौद्ध धर्म का पूर्वज होगा
उसके अंदर कोई बात ऐसी चल रही हो जो ज्वालामुखी के रूप में फट पड़े और नुकसान कर दे। जो भी होता है वो कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ उसमें भी जापान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, कल्याणकारी हुआ अकल्याणकारी हुआ? क्या कल्याणकारी हुआ? ठोकर खाने के बाद जापान सबसे आगे निकल गया तकनीक में, अभी भी ऐसे ही है। जो भी पांच पांडव हैं कुछ पांच उन पांच पांडवों की ये बीज रूप आत्माएं हैं। सूर्यवंश का भी बीज है धर्मराज युधिष्ठिर, चंद्रवंश का भी बीज है बौद्ध धर्म का भी बीज है बुद्धिमान नर अर्जुन, और सन्यास धर्म का भी बीज है। ये भारतीय धर्म है, और सिख धर्म का भी बीज है। नकुल और सहदेव नाम विख्यात हैं। ये पांचों भारतीय धर्मों के जो बीज हैं वो ही पांच पांडवों के रूप में गिने जाते हैं। तो जो अर्जुन है वो पहले पहले विषाद की बातें करता है, दुखी होता है, ये एकदम उमंग उत्साह में आ जाता है, है? पहले विषाद, ठोकर लगती है, फिर अलर्ट हो जाता है। सभी धर्म वालों से देवता धर्म वालों की आदम शुमारी जास्ती हो, परंतु वह कन्वर्ट हो गई है इसलिए थोड़ी जनसंख्या रह जाती है। ये सभी ड्रामा है, इसमें समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। पूछने वाले ने क्या पूछा सो तो बताया नहीं, समझने की इसमें क्या बात है कि सभी धर्म वालों से देवता धर्म वालों की आदमशुमारी भारतवर्ष में जास्ती होनी चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में अभी सभी धर्मों की आदमशुमारी जास्ती है। सारे भारत की बात छोड़ दो, राजधानी को देख लो, दिल्ली में, दिल्ली को ही सब फॉलो करते हैं। सारे भारत का वायुमंडल देखना हो तो दिल्ली का वायुमंडल देख लो। दिल्ली में किसी खास धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ज्यादा रहते हैं? सभी ज्यादा रहते हैं। होनी चाहिए जास्ती ज्यादा आदमशुमारी किसकी? अरे आद सनातन देवी देवता धर्म है तो किसकी आदमशुमारी जास्ती होनी चाहिए? देवताओं की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो कम क्यों है? और धर्मों की क्यों बढ़ गई? कारण तो सबको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे देवता धर्म वाले ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म वाले कभी अपने धर्म को छोड़ते नहीं, अपने धर्म के पक्के होकर के रहते हैं। इसलिए आदमशुमारी दूसरे धर्मों की बहुत बढ़ गई और देवता धर्म की कम हो गई। दिल्ली
को राजधानी कहा जाता है, महाराष्ट्र को नहीं, महाराष्ट्र में मुंबई को नहीं। क्यों? हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी बंबई नहीं है? हैं? बंबई महाराष्ट्र की राजधानी तो है। महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसकी राजधानी बंबई है। और दिल्ली, दिल्ली भी एक स्टेट है, लेकिन वो एक स्टेट की राजधानी है, ये सभी स्टेट्स की राजधानी है, सभी स्टेट्स की राजधानी है। इसलिए बाबा ने भी बोला है, अव्यक्त बाप दादा ने, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन नुदा हुआ है। इसलिए दिल्ली की सेवा पर बाप दादा ने सबसे ज्यादा दबाव दिया है। और ये भी बता दिया कि दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है हर हर बम बम की नगरी, तो क्या फोड़ेगी? बम फोड़ेगी। पहले ज्ञान के बम दिल्ली में फूटेंगे या स्थूल बमबाजी होगी? है, कौन सी बमबाजी पहले होती है? बाबा लादेन की मौत तो हद में हो गई, अब बेहद में इसका अर्थ क्या है? उसका पूरा नाम क्या है? ओसामा बिन लादेन। बिन माने बिना, ला माने ला, देना, ओ शामत आ गई। शामत जानते हैं किसे कहते हैं? मौत आ गई, मौत सामने है, शामत आ गई, जो कुछ तेरे पास है सो सब निकाल के मेरे सामने रख दे। डकैत क्या करते हैं? पिस्तौल लेके खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है सो लाके मेरे सामने, वो सबसे बड़ा डकैत है कि नहीं है? या नहीं है? ज्ञान की भाषा में सबसे बड़ा डकैत कौन है? राम। राम अभी सबसे बड़ा डकैत है? ये तो अभी की बात कर रहे हैं, या लास्ट में सबसे बड़ा डकैत होगा? है, है? वो तो लास्ट में होगा, लेकिन अभी दुनिया में सबसे बड़ा डकैत कौन है? ज्ञान की भाषा में रावण। हाँ, क्या? रावण, माया रावण। माया रावण के कितने शीश हैं? 10 शीश हैं। उनमें बड़े से बड़ा शीश कौन सा है? काम विकार बड़े से बड़ा शीश है तो, लेकिन उसका भी बाप कौन है? है? दे अभिमान। तो दे अभिमान को जब रावण के चित्र बनाते हैं तो किस रूप में दिखाते हैं? है? गधे के रूप में दिखाते हैं। अकल नहीं है तो डकैती का पेशा धारण करते हैं, या अकल वाले हैं तो डकैती का पेशा धारण करते हैं? है? अकल नहीं है तो ऐसा पेशा धारण करते हैं। तो रावण का जो बाप बैठा हुआ है गधे के रूप में, वो पार्ट किसका है? है? वो ज्ञान को समझता है या नहीं समझता है? अरे जब कोई किसी को पढ़ाई पढ़ाते हैं,
अगर वो नहीं समझता है तो क्या कहते हैं, गधे। तो रावण के सिर पर गधे का पार्टधारी कौन है, जिसको 20 बार समझाया जाता है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन वो फिर भी किसको समझे बैठा है, है? वो कृष्ण ही गीता का भगवान है, ये बुद्धि में पक्का 63 जन्म से बैठा हुआ है, ये बात निकलती ही नहीं। और गीता का भगवान साकार में जब कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा है, तो पतितों को पावन बनावेगा कि नहीं बनावेगा, है? है? बनावेगा। शिवो हम ब्रह्मास्मि, ये कौन हुआ, कौन हुआ? अरे बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु दुनिया में कौन है, है? ब्रह्मा। खुद बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा हुआ है तो गीता का साकार भगवान बन के बैठे हुए। तो अच्छा धंधा करेंगे या डकैती डालेंगे, क्या करेंगे? डकैती डाल रहा है, अभी तक डाल रहा था। क्या डकैती? अरे तेरे पास जो भी है, क्या रोटी बेटी, वो सारी मेरे सामने लाके रख, नहीं तो तेरी शामत आ गई। अभी भी पार्ट बताया, हनुमान का पार्ट किसका है? रावण की लंका के सारे अच्छे अच्छे वस्त्रों में आग लगाने वाला है। तो उसकी मौत हो गई। मौत होने का मतलब क्या हुआ? जैसे कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी चली थी, माया अब तंग आ गई है, माया हार चुकी है, प्रकृति थक चुकी है, ऐसे ही अब वो आत्मा का पार्ट बताया, ठंडा हो गया, अभी नई बात निकल पड़ी जिसका जवाब नहीं आया। लास्ट अव्यक्तवाणी इस सीजन की कौन सी थी जिसमें घोषणा कर दी ये लास्ट आना है इस सीजन का, तारीख याद है? नहीं याद है, है? अरे अव्यक्तवाणी सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। 31 मार्च को अव्यक्त बाप दादा ने वाणी चलाई, उसमें कह दिया ये सीजन का लास्ट दिन है। फिर बंबई वालों ने एक बड़ा पोस्टर छपाना शुरू कर दिया, बंबई है विनाशकारी, उस पोस्टर में 8 पॉइंट दिए, उनमें पहला ही पॉइंट था, हेडिंग दिया था, ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे, हम के ऊपर निशान लगा दिया एडवांस पार्टी, पहला ही पॉइंट था। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो बताएं एक व्यापी कहां है, बताएं तो, अगर नहीं है तो बताएं कि एक व्यापी कहां है, अगर नहीं बता सकती हैं तो हम बताएंगे, हैं? तो घबरा गए? नहीं घबराए गए, हाँ घबरा गए, 13 तारीख को फटाफट बाप दादा को बुला लिया। अरे सुनो तो, जब घबरा गए तभी तो बाप दादा याद आता है, उनका भगवान कौन है, उनका भगवान कौन है, वही अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा। फटाफट 13 तारीख को बुला लिया और वो आ भी गए। वो क्या कहेंगे, वो खुद ही देख करके, वो बात सुन करके घबराए हुए। तो हमला हो गया, अचानक हमला हो गया, ये छोटा हमला है या बड़ा हमला है? बड़ा हमला है, ये बड़े बड़े एटम बम फट रहे हैं अभी,
अरे ये तो बहुत छोटा है, छोटी मुठभेड़ में मारा गया, सारा अहंकार चूर हो गया, मैं गीता का साकार भगवान हूं। है अव्यक्त वाणी का नहीं है वो, हाँ है वही घिसे पिटाई। कितने दिन हो गए भट्टी किए हुए? नए आए हैं तो अभी जो कैसेटें चल रही हैं, वीसीडी चल रही हैं, डीवीडी चल रही हैं, उनको सुनो, उसमें बीसियों बार इस बात का अर्थ बताया गया है। अच्छा मिल जाएगा।